हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला में, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे दो हॉस्पिटल है जहाँ हम मानसिक रुग्ण जो है और व्यसनी जो लोग है उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है जहाँ मानसिक रुग्ण और व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कई पेशेंट आते हैं, वो डिप्रेस रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं हमको अमीर बनना पॉसिबल ही नहीं, अमीर नहीं बन सकते, हमने बहुत कुछ कर लिया मगर हम अमीर बनना असंभव है, हमारा लक अच्छा नहीं है। तो एक किताब है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वेलेस प्रैटिस का किताब है। तो किताब में जो लिखा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्या हो तो मैं रिच। लोग क्या बोलते हैं कि भाई अमीर बनना है तो आपको गलत काम करने पड़ेंगे और गलत काम करने से आप अमीर बनेंगे। या लोग ऐसा बोलते हैं कि अमीर बनने के बाद में लोग गलत काम करते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सही काम करने से, अच्छे काम करने से लोग अमीर बन सकते हैं, और अमीर बनने के बाद में आप अच्छे काम करके ये दुनिया अच्छी कर सकते हैं, लोगों का जीवन का दर्जा जो है हम अच्छा कर सकते हैं, लोगों को एक अलग नया जीवन दे सकते हैं अमीर बन गए। तो फिर एक ही एनवायरनमेंट में रह के, एक ही वातावरण में रह के कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग अमीर नहीं बनते, ऐसा क्यों है? क्यों कि अमीर जो बनते हैं वो एक स्पेशल तरीके से वो काम करते हैं, या एक स्पेशल उनका रास्ता रहता है, एक अलग तरीका रहता है उनका काम करने का, वहां से होते हैं। मतलब कैसा कि उनका विचार जो है वो अलग होता है और उनका आचार जो है, मतलब व्यवहार जो है वो अलग होता है। तो विचार और व्यवहार जो है वो उनका अलग अलग होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि दे थिंक इन अ सर्टन वे एंड दे एक्ट इन अ सर्टन वे। तो थिंकिंग इन सर्टन वे जो है, इसमें क्या क्या सर्टन वे से वो विचार करते हैं कि जिससे वो अमीर बनते हैं। तो नंबर एक जो है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग वर्सेस कॉम्पिटिटिव थिंकिंग। स्पर्धा में रह के हम बहुत अमीर नहीं बन सकते स्पर्धा करके। मतलब कोई एक फ्रिज है और कोई एक फ्रिज का दुकान है, तो मैं भी एक फ्रिज का दुकान डाल रहा हूं तो मैं अमीर नहीं बनूंगा क्योंकि माल बेच रहा हूं मैं सिर्फ। मतलब एक जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं कोई लोग वही मैं काम करूंगा, और कंपटीशन में माल बेचूंगा तो उसे कोई अमीर बनने वाला नहीं हूं। अमीर बनने के लिए आपको नया कुछ तो भी निर्माण करना पड़ेगा। जैसा फेसबुक की उसका खुद का सर्वर भी नहीं है, उसका खुद का साइट भी नहीं है, मतलब उसका खुद का कुछ भी नहीं है, और कभी भी फेसबुक इतना बड़ा अभी ये हो गया, कम्युनिकेशन का मॉडल हो गया, ये माध्यम हो गया, उनका खुद का कुछ भी नहीं है। वैसा अभी देखा जाए तो उबेर का भी है, उबेर ओला की, उबेर की खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, मगर सबसे ज्यादा दुनिया में हाईएस्ट टर्नओवर जो है उबेर का है एज फार एज टैक्सीज आर कंसर्न। उन्होंने कुछ भी नया क्रिएशन किया उबेर ने, ओला ने, और फिर उसमें उनको काफी सारी बढ़त मिल गई उनके धंधे में। तो $60 मिलियन का बिजनेस उबेर कर रहा है आज। उन्होंने देखा कि टैक्सी मिलना लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लोगों को टैक्सी नहीं मिलती थी, टैक्सियां थी पर टैक्सी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने उसका कोऑर्डिनेशन कर दिया कि जिनको टैक्सी की जरूरत है उनको टैक्सी, और जिनको गिराई की जरूरत है उनको गिराई, ऐसा करके उसका मेलजोल करके आज उबेर ने कितना सारा पैसा कमा रहे। तो फिर यह संभव है यदि हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो, और जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं वो अमीर जल्दी बनते हैं। नंबर दो, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता व्यक्त करना। हम कृतज्ञ रहते हैं, मतलब लोगों को धन्यवाद देना, लोगों को थैंक यू बोलना, अपने पास में जो है उसके लिए अपने आप को आभारी समझना, अपने आप को धन्यवाद देना, या जो भी आपको ऐसे लगता है कि भाई एनर्जी ऐसी है, कोई बड़ी एनर्जी है, गॉड है, भगवान है, जो भी है, उसका आभार व्यक्त करना। लोग आपको जो सपोर्ट करते हैं उनको उनके प्रति ग्रेटिट्यूड बताना, एक्सप्रेस करना, क्योंकि जो बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो आभार पत्रिका लिखते हैं लोगों को, आभार प्रतीक मतलब आभार व्यक्त करते हैं, आभार मानते लोगों का। कि सक्सेसफुल और बड़े लोग रहते हैं उनको मालूम है कि अकेला आदमी बड़ा नहीं बन सकता, उसको जब तक सपोर्ट नहीं तब तक, तो जो भी लोगों का सपोर्ट है उनका उनके प्रति वो आभारी रहता है। लोग अपने पास में क्या नहीं है उसके बारे में बहुत दुखी रहते हैं। तो यहाँ हमको ये कहना है कि जो आपके पास में है उसके लिए भगवान का जो भी ताकत आपको लगती है
उसका जो भी एनर्जी उसका आभार व्यक्त करो और उससे भी क्या संभव है वो देखो। हमारी मेंटेलिटी जो है वो ऐसी है कि बहुत स्केयर्स है, मतलब दुष्काल, ये नहीं है वो नहीं है और सब चीजें जो है ना उसका अकाल पड़ा हुआ है ऐसा अपने को लगता है। एक्चुअली ये दुनिया में कोई अकाल नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा प्रमाण में सब चीजें उपलब्ध है, उसको बोलते हैं अबंडेंस मेंटेलिटी। तो अबंडेंस मेंटेलिटी से हम काम करेंगे तो आप जब भी जल्दी अमीर बन जाएंगे, और वो थिंकिंग आपको होना जरूरी है कि वहां बहुत ही अबंडेंस है, चाहे जितना आपको मिल सकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अबंडेंस मेंटेलिटी, अकाल नहीं है, जो भी चाहिए वो मिल सकता है। तीसरा जो है वो है मेंटल इमेजेस, कि जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनके क्रिस्टल क्लियर मेंटल इमेजेस रहते हैं, और वो विजुअलाइज करते हैं हमको चाहिए क्या। हम हमेशा गोल्स के बारे में, उनके जो ध्येय है, उनके जो उद्देश्य है, उसके बारे में बार 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 सोचते हैं, बार 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 उसका चित्र निर्माण करते हैं, और बार 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 चित्र निर्माण करके उसके बारे में सोचते हैं, और वो उनको अमेरिकी तरफ लेके जाता है। तो ये तीन बातें हो गई, नंबर एक क्रिएटिव थिंकिंग, नंबर दो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, नंबर तीन क्रिएटिंग क्रिस्टल क्लियर मेंटल इमेजेस। अब हम देखेंगे कि सर्टन वेज ऑफ एक्शंस क्या है अमीर लोगों की, कि वो अलग तरीके से एक्शन करते हैं अमीर लोग। तो नंबर एक है वो वैल्यू ऐड करते हैं, और वैल्यू ऐड करके लोगों के साथ में ऑनेस्ट व्यवहार करते हैं। समझो एक किसान है, उसको मैंने रेफ्रिजरेटर बेच के कुछ होने वाला है नहीं, मगर उसको मैं ट्रैक्टर देता हूँ तो उसके वो काम करेगा, वो ट्रैक्टर से वो पैदाइश की मतलब ज़्यादा करेगा, खेत में ज़्यादा फसल लेगा और उससे बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मगर उसको मैंने एक रेफ्रिजरेटर दिया या उसको और कोई ऐसा माल बेच दिया कि जिससे उसका कोई भला होने वाला नहीं है, तो वो मेंटेलिटी होना जरूरी है कि भाई मैं जिसको भी जिसके साथ में बिजनेस कर रहा हूँ उसको वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और सही तरीके से ऑनेस्टी से व्यवहार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। नंबर दो एक्टिंग टू रिसीव रिवार्ड्स। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, उनको ये मालूम है कि मुझे एक्शन लेना बहुत जरूरी है, विदाउट एक्शन देर आर नो रिजल्ट। मतलब मुझे जाना है, समझो मुंबई जाने का है, बॉम्बे जाने का है, मुंबई जाने का है, तो मुंबई जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। मैं ये सोच के कि मैं मुंबई जाना है सोच के मैं मुंबई नहीं पहुंचूंगा, बॉम्बे पहुंचना कठिन है। बॉम्बे पहुंचना है तो मुझे कार है, मुझे ट्रेन है, मुझे फ्लाइट है, मैं पैदल जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी तो मुझे वो रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट मैं हासिल कर सकूंगा। तो सक्सेसफुल अमीर लोग जो है वो मौके का फायदा उठाते हैं, और जब मौका मिलता है तो फटाफट एक्शन करना चालू कर देते हैं। मालूम है उनको कि भाई सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं टॉक इज चीप, सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होगा, एक्शन करना बहुत जरूरी है, नो एक्शंस नो रिजल्ट्स। तो अमीर लोग जो है वो एक्शन के ऊपर भरोसा करते हैं और एक्शन करना तुरंत चालू कर देते हैं, जहां मौका मिला वहां एक्शन करना चालू करते हैं। तीसरा जो है वो है बीइंग इफेक्टिव विथ व्हाट एवर यू आर डूइंग। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम से हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि मुझे फीडबैक मिल रहा है क्या कोई भी काम मैं करता हूं तो, और फीडबैक लेके मैं उसमें कोई प्रोग्रेस कर रहा हूं कि नहीं मुझे मालूम पड़ना चाहिए, ताकि मेरी एक्शंस जो है वो इफेक्टिव हो रही कि नहीं हो रही। मेरे जो भी कोई एक्शन है उसका मैं यदि फीडबैक नहीं लेता हूँ, मुझे रिजल्ट बराबर मिल रहे कि नहीं मिल रहे उसके बारे में बातचीत नहीं करता हूँ, उसके बारे में देखता नहीं हूँ, वो ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मेरी एक्शन इफेक्टिव है कैसा मालूम पड़ेगा। मुझे देखना है कि मेरी एक्शन इफेक्टिव हो रही कि नहीं हो रही, और मुझे इफेक्टिव एक्शन ही लेना है, क्योंकि हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्शन लेके कुछ नहीं होगा, एक्शन इफेक्टिव होना मतलब रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन होना जरूरी है। समझिए एक LIC एजेंट है, वो LIC की पॉलिसी जब बेचता है और कस्टमर से उसको जब चेक मिलता है तब उसको LIC उसका कमीशन देती है। वो LIC एजेंट यदि उसने बोला कि मैं देखो दिन भर सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ, मगर शाम तक मैंने एक भी चेक नहीं लाया, तो उसकी सारी एक्शंस जो है वो इनइफेक्टिव एक्शंस है, कितनी भी उसने मेहनत किया तो भी कुछ फायदा नहीं है। और दूसरा एक एजेंट है, उसने सिर्फ एक घंटा काम किया मगर उसने दो चेक एक घंटे में उठा लिया, तो उसको LIC डेफिनेटली कमीशन देगी। तो अमीर लोग ये देखते हैं कि भाई उनकी हर एक्शन जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी, और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्व का जो है वो सेलिंग स्किल्स,
कि आपके पास में सेलिंग स्किल्स है क्या, और सेलिंग स्किल्स आपके पास में है तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अच्छे धंधे वाले हो सकते हैं और आपका धंधा बहुत अच्छा चल सकता है और आप जो भी धंधा कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो ये जो सब बातें मैंने बताया तो वो है वैलेस वेटल्स, इनकी जो किताब है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसमें से आपको जरूर फायदेमंद होंगे। आपको यदि अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो। जो भी ऐसा सोचते कि नहीं मुझे अमीर बनना है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहां मैं अटक गया हूं, उसको इसका जरूर फायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।